अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल हॉरर सेंटर। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो हॉरर सेंटर को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आपको मिलती रहें तमाम वीडियो अपडेट्स। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो में एक पुरसरार नॉवल, एक औरत और रीच के इसरार, एपिसोड नंबर 5। दूसरी सुबह का सूरज हमारे लिए चैलेंज बनकर उभरा। ये चैलेंज अपनी जान जोखों में डालने से कम ना था। हम में से एक आदमी भी पेशावर शिकारी ना था। ये ठीक है कि रईस भाई का निशाना बहुत अच्छा था, उधर करम इलाही और फजल इलाही को भी अपने निशाने पर नाज था। अगरचे बंदूक मैंने बहुत कम चलाई थी, इसके बावजूद मेरा निशाना भी इतना बुरा ना था, लेकिन उस अफरियत नुमा रीच को ठिकाने लगाने के लिए अच्छे निशानों से ज़्यादा अच्छी हिम्मत की ज़रूरत थी। हम दोनों अपनी हिम्मतें आजमा चुके थे। करम इलाही और फजल इलाही भी जीदार दिखाई दे रहे थे। अल्लाह पर भरोसा करके हम चारों ने उस अफरियत से निमटने का प्रोग्राम बना लिया था और इस मिशन को खुफिया रखने का ख़ास एहतमाम किया था। यही वजह थी कि हमने तय किया कि किसी भी मजदूर को अपने साथ ना रखेंगे। तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक करम इलाही और फजल इलाही अपनी राइफल समेत हमारे पड़ाव में पहुंच गए। उन दोनों को देखकर हमारे मुंशी का माथा ठनका था और वो अब हमारे इर्द गिर्द मंडला रहा था ताकि हमारी बातों से कुछ अंदाज़ा लगा सके। कुछ देर के लिए मुंशी चाय वाय का इंतज़ाम करने बाहर गया तो मैंने रईस भाई से कहा, इस मुंशी को क्यों ना अपने साथ ले लें। क्यों, ये बहुत बेकरार नज़र आ रहा है रईस भाई, साथ ले लेते हैं इसे भी, ज़रा तफरी रहेगी, कुछ नहीं तो खाने पीने का सामान ही उठाएगा, वैसे भी वो उस अफरियत के राज से वाकिफ है। ठीक है, फिर ले लेते हैं, लेकिन उसे ये नहीं बताना कि हम रीच इंसान को ठिकाने लगाने जा रहे हैं, उससे सिर्फ आम शिकार का जिक्र कीजिएगा। अच्छा ठीक है। कोई आधे घंटे बाद हम लोग अपनी अपनी गाड़ियों में उस मुकाम की तरफ रवाना हुए जहाँ कल अफरियत से मुलाकात हुई थी। वहाँ उसका मिल जाना यकीनी तो ना था, लेकिन तय यही हुआ था कि हम अपनी मुहिम का आगाज उसी जगह से करेंगे। शायद आसपास के इलाके में उससे कहीं मुलाकात हो जाए। मुंशी हमारी गाड़ी में मौजूद था और बहुत खुश था। खुश क्यों ना होता, उसे हमने साथ जो ले लिया था। उस मुकाम पर पहुंचकर हमने अपनी गाड़ियाँ एक तरफ खड़ी की और जंगल में दाखिल हुए। रईस भाई सबसे आगे थे, उनके पीछे मुंशी, फिर मैं और मेरे पीछे वो दोनों भाई। जगह कुशादा होती तो हम सब साथ ही चलने लगते। हम लोग बहुत एहतियात से चारों तरफ नज़र दौड़ाते आगे बढ़ रहे थे कि यकायक हमारे पांव ज़मीन में गड़ गए। पांव गड़ने की वजह दरअसल वो चीख थी जो नज़दीक ही से सुनाई दी थी। अभी हम सोच ही रहे थे कि ये चीख किसकी है कि सामने से मुंशी भागता हुआ नज़र आया। खौफ के मारे उसका बुरा आलम था। उसके मुँह से बड़ी खौफनाक आवाज़ें निकल रही थीं और हालत ऐसी ही थी कि हंसी रोकनी मुश्किल हो गई। वो हाथ में पाजामे का कमरबंद थामे उसे कंधे से उतारता, चीखता चिल्लाता, दुहाई देता हमारी तरफ बढ़ रहा था। हम चारों को देखकर उस लंगूर ने मुंशी के कंधे से छलांग लगाई और दौड़ता हुआ दरख्तों में गुम हो गया। रईस भाई ने फौरन उसका पीछा किया। फिर मुझे ख्याल आया कि ये तो वही जगह है जहां हमने कल लंगूर मारा था। ये ख्याल आते ही हम सब भी रईस भाई की तकलीद में चल दिए। हमने जल्द ही रईस भाई को जा लिया। वह एक बड़े से पत्थर पर खड़े दरख्तों की ओट से सामने की तरफ देख रहे थे। हमारी आहट सुनकर उन्होंने पीछे मुड़कर देखा और खामोशी से अपनी तरफ आने का इशारा किया। हम सब बहुत आहिस्तगी से चलते उनके नज़दीक पहुंच गए। जब मैं पत्थर पर उनके बराबर खड़ा हुआ तो सामने बड़ा अजीब मंजर देखा। बहुत से लंगूर दायरे की शक्ल में बैठे थे और दरमियान में उस लंगूर की लाश पड़ी थी जिसे रईस भाई की राइफल ने मौत के घाट उतार दिया था। लाश के साथ एक अकेला लंगूर सर झुकाए बैठा था। शायद वो मरने वाले लंगूर की मादा थी। वो सब मरने वाले लंगूर की लाश पर मातम कुना थे। हम लोग कुछ देर बड़ी दिलचस्पी से उस ताजियती जलसे को देखते रहे। फिर हम लोग खामोशी से वहां से हट आए और अपनी राह ले ली। दोपहर तक हम लोगों ने जंगल का खासा हिस्सा छान मारा, लेकिन उस अफरियत से कहीं मुलाकात ना हुई। अब भूख लगने लगी थी, लिहाजा एक मुनासिब जगह देख कर पड़ाव डाल दिया। मुंशी ने एक चादर बिछाकर खाना लगा दिया। खाना खाकर हम लोगों ने कुछ देर आराम किया और फिर राह मुतय्यन करके निकल पड़े। वैसे आज का दिन हमें ज़ाया होता दिखाई दे रहा था। हम क्योंकि ख़ास तौर पर उस रीच इंसान की तलाश में निकले थे, इसलिए उसका दिखाई दे जाना मुहाल ही था। यूँ तो बगैर ढूंढे ही वो हमें दो बार मिल चुका था।
फिर अंधेरा फैलने लगा। जंगल में वैसे भी जल्दी शाम हो जाती है। हम लोगों ने अपनी गाड़ियों की तरफ रुख किया। सूरज गरूब होने से पहले पहले हम अपने ठिकानों पर पहुंच जाना चाहते थे। दूसरे दिन का प्रोग्राम तय करके करम इलाही और फजल इलाही अपने इलाके की तरफ चले गए और हमने अपने जंगल का रुख किया। आगे जाकर एक दोराहा आता था। एक सड़क मजदूरों की बस्ती की तरफ जाती थी, दूसरी हमारे पड़ाव की तरफ। जब हम उस दोराहे पर पहुंचे तो वहां 4-5 मजदूर खड़े नजर आए। ये तुम्हारी उम्मत यहाँ क्यों खड़ी है? रईस भाई ने मुंशी से मुखातिब होकर कहा। पता नहीं साहब, आप जरा गाड़ी रोकें, मैं देखता हूँ। रईस भाई ने गाड़ी उन मजदूरों के पास जाकर खड़ी की। मुंशी को देखकर उन लोगों के चेहरे पर खुशी फैल गई। ये मजदूर अपने ही थे। वो अपनी जुबान में मुंशी को कुछ बता रहे थे और मुंशी के चेहरे पर उनकी बातें सुनकर हवाइयां उड़ती जा रही थीं। रईस भाई, कहीं वो अफरियत इन मजदूरों को तो नजर नहीं आ गया? शायद, अगर ऐसा हो गया तो बहुत बुरा होगा, रईस भाई ने फिक्रमंद होते हुए कहा। अरे आप परेशान क्यों होंगे, मुंशी को बात करके तो आने दें, मुमकिन है कोई और बात हो। खुदा करे ऐसा ही हो। गुफ्तगू अभी तक जारी थी। मुंशी बार बार हमारी तरफ पलट कर देखता था। उसके देखने ने हमें और शशोपंच में डाल दिया। बिला आखिर मुझसे सबर ना हो सका। मैं जीप से कूदकर मुंशी के पास पहुंचा और उससे पूछा, मुंशी क्या मामला है? मामला बड़ा खतरनाक है साहब, आप गाड़ी में चलकर बैठिए, मैं अभी सूरत हाल से आगाह करता हूँ। मुंशी ने बड़ी सफाई से मुझे वहां से टाल दिया। क्या चक्कर है? रईस भाई ने मुझे गाड़ी के नजदीक आते पूछा। मुंशी कह रहा है कि मैं आकर बताता हूँ। घामड़ का बच्चा बिला वजह सस्पेंस पैदा कर रहा है, बताता क्यों नहीं? ठहरो, मैं बताता हूँ इसे जाकर। मैंने रईस भाई को रोक दिया। थोड़ी देर बाद मुंशी भागता हुआ आया, जीप में उछलकर बैठता हुआ बोला, साहब जी गजब हो गया। अरे क्या हुआ है मुंशी, क्या वो रीच इंसान नजर आ गया है उन लोगों को? नहीं साहब, इससे भी भयानक बात हुई है। वो क्या? कल आप लोग मजदूरों की बस्ती की तरफ गए थे ना? हाँ गए तो थे, बस आप लोगों के वहां से निकलने की देर थी कि थोड़ी देर बाद सूरज बाबा बस्ती में नमोदार हो गए थे। वो हस्बे मामूल अग्नि पूजा तक वहां रहे। इसी असना में वो काला नाग भी उनके पास पहुंच गया। सूरज बाबा ने पिछली बार की तरह से एक बड़े प्याले में अपने हाथ से उसे दूध पिलाया। फिर वो नाग कुछ देर उनके सामने फन फैलाए खड़ा रहा, जैसे नजरों नजरों में कोई बात हो रही हो। थोड़ी देर बाद सूरज बाबा ने उसके ऊपर कुछ पढ़कर फूंका, फिर वो बड़ी खामोशी से चबूतरे से उतरकर तारीकी में गुम हो गया। चांद की पूरी आबोताब निकल आने तक वो बस्ती में रहे और अग्नि पूजा खत्म होते ही वो बस्ती छोड़ गए। इस दोराहे तक बस्ती के लोग उनके साथ आए। यहाँ पहुंचकर उन्होंने उन्हें लौट जाने को कहा और खुद वो सामने वाले जंगल में दाखिल होकर गुम हो गए। वो भयानक बात तो अभी तक आई नहीं, रईस भाई से आखिर जब्त ना हो सका तो मुंशी से कह गए, साहब जी वही तो बताने जा रहा हूँ, आप गाड़ी चलाएं। अच्छा तो साहब जी, फिर हुआ ये कि आज सुबह जब वो तीन मजदूर बाबा के चेले की कुटिया पर पहुंचे तो उन्होंने वहां मामला ही उल्टा पाया। उस शैतान की लाश वहां मौजूद ना थी और वो नाग जिसे सूरज बाबा ने रात को अपने हाथों से दूध पिलाया था कुचला पड़ा था। ऐसे मालूम होता था जैसे किसी पत्थर से उसका मुंह कुचल दिया गया हो। ये देखकर वो मजदूर बस्ती में आए, लोगों को सूरत हाल से आगाह किया। इस खबर ने लोगों को खौफ में मुबतला कर दिया। उन्होंने आसपास का तमाम इलाका छान मारा लेकिन उस चेले की लाश का कहीं सुराग न मिला। पता नहीं वो लाश कहाँ गायब हो गई। अरे ये तो वाकई बड़ी अजीब सी बात है, 26 साल से वो लाश गैर महफूज होने के बावजूद महफूज पड़ी थी, अब एक ही रात में ये इनकलाब आ गया और वो भी सूरज बाबा के जाने के फौरन बाद। ये हरकत किसी इंसान की तो नहीं हो सकती, कुछ समझ में नहीं आता। ये मजदूर यहाँ क्या कर रहे थे? असल में सूरज बाबा इस जगह से जंगल में दाखिल हुए थे। ये लोग इसी उम्मीद पर यहाँ मौजूद थे कि शायद सूरज बाबा कहीं दिखाई दे जाएं तो वो लाश गायब होने की खबर उन तक पहुँचा दें। वो तो अब 12 बरस के बाद ही लौटेंगे ना? हाँ साहब जी, रीत तो यही है। हम पड़ाव तक इस मसले पर गौर करते आए कि ये लाश किसने उड़ाई होगी, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया। हम किसी नतीजे पर ना पहुँच सके। जब हमने अफरियत के ना मिलने और चेले की लाश गायब होने की खबर चचा जान को सुनाई तो वो हैरान और परेशान हो गए। दूसरे दिन प्रोग्राम के मुताबिक हम तैयार होकर बैठ गए। करम इलाही और फजल इलाही ने सुबह ही हमारे पास पहुंच जाना था, लेकिन वक्त तेज़ी से गुजर रहा था और उनके आने की उम्मीद कम होती जा रही थी। समझ में नहीं आया कि ये लोग कहाँ रह गए हैं, रईस भाई फिक्रमंदी से बोले। कहीं गाड़ी वाड़ी ना ख़राब हो गई हो भाई? नहीं, गाड़ी तो उनकी ठीक है। उन पर खौफ तो नहीं सवार हो गया कहीं? खौफ कैसा, अभी तो उन्होंने अफरियत को देखा भी नहीं।
हाँ ये तो है, फिर आखिर क्या हुआ? सारा प्रोग्राम चौपट कर दिया। आइए फिर हम दोनों ही चलते हैं। चलो ठीक है, ये कहकर रईस भाई खड़े हो गए। इतने में मुंशी भागा भागा आया। उसने फॉरेस्ट ऑफिसर के आने की इत्तला दी। चचा जान इस वक्त पड़ाव में मौजूद ना थे, वो ऊपर कटाई की निगरानी के लिए गए हुए थे, लिहाजा रईस भाई का रुकना ज़रूरी था, मजबूरन प्रोग्राम मुलतवी करना पड़ा। फॉरेस्ट ऑफिसर रईस भाई से ही मिलने आया था और उन्हें अपने साथ कहीं ले जाना चाहता था। रईस भाई ने उसे बिठाकर चाय वाय पिलाई, फिर मुझसे कहकर कि मैं 2 घंटे में वापस आता हूँ, फॉरेस्ट ऑफिसर के साथ चले गए। उनके जाने के बाद मैंने कपड़े तब्दील किए और बिस्तर पर लेटकर रिसाला पढ़ने लगा। रिसाला पढ़ते पढ़ते नींद आ गई। दिमाग पर क्योंकि सूरज बाबा, उनका चेला और वो अफरियत बसा हुआ था, इसलिए उनका ख्वाब में आ जाना कोई अचंभे की बात ना थी। मैंने ख्वाब में सूरज बाबा को देखा। वो एक पत्थर पर आलती पालती मारे बैठे थे। सुर्खों सफ़ेद चेहरा, सर और दाढ़ी के बाल एकदम सफ़ेद रेशम थे। जिस्म पर गेरवे रंग की धोती पहने, गले में बड़े बड़े मोतियों की माला, वो इशारे से मुझे अपनी तरफ बुला रहे थे। अचानक मेरी आँख खुल गई, देखा तो चचा जान सामने खड़े थे। दोपहर हो गई भाई, क्या खाना नहीं खाना? जी हाँ, क्यों नहीं चचा जान। मैं फ़ौरन ही उठ गया और हाथ धोने के लिए बाहर निकला। इतने में मुंशी ने खाना चुन दिया। खाना खाते हुए मैंने अपने ख्वाब के बारे में चचा जान को बताया तो वो खूब हंसे, लेकिन मेरे चेहरे पर संजीदगी के तासुरात देखकर वो भी संजीदा हो गए। क्या बात है भाई, इस ख्वाब ने तो तुम पर बड़े गहरे असरात छोड़े हैं। चचा जान, जाने बार बार मुझे ये क्यों महसूस हो रहा है जैसे इस ख्वाब के पीछे कोई ना कोई बात ज़रूर है, कोई इसरार छुपा हुआ है। अरे कुछ नहीं है भाई, तुम आराम से खाना खाओ। खाना खाकर कुछ देर आराम किया। रईस भाई अभी तक वापस ना आए थे। चचा जान कटाई की निगरानी के लिए ऊपर जा रहे थे। मुझे भी उन्होंने अपने साथ चलने को कहा। मैं ये सोचकर कि तन्हा झोंपड़ी में रहकर क्या करूँगा, उनके साथ हो लिया। आधे घंटे तक हम जंगल के नशेबो फराज से गुजरते। जब हम पड़ाव पर पहुँचे तो वहाँ हर तरफ बांसों का ढेर देखा। 2-4 आदमी इधर उधर घूम रहे थे। उन बांसों के ढेर के दरमियान एक झोंपड़ी बनी हुई थी। चचा जान उस झोंपड़ी में बैठकर बांसों का हिसाब किताब करने लगे। मेरी दिलचस्पी का यहाँ कोई सामान ना था। मेरा ख्याल था कि मैं मजदूरों को यहाँ बांसों को काटते हुए देखूंगा, लेकिन ये जगह तो बतौर गोदाम इस्तेमाल हो रही थी। मालूम हुआ कि कटाई तो कहीं बहुत अंदर जाकर होती है। फिर मैंने चचा जान से जाने की इजाज़त चाही। अरे क्यों, बोर हो गए हो क्या? मेरा ख्याल है रईस भाई अब तक आ गए होंगे चचा। अच्छा ठहरो, मैं किसी आदमी को तुम्हारे साथ कर देता हूँ, वो तुम्हें पड़ाव तक पहुँचा देगा। अरे नहीं चचा जान, किसी आदमी की ज़रूरत नहीं, सीधा रास्ता है चचा, मैं आराम से पहुँच जाऊँगा। अच्छा चलो ठीक है। फिर मैंने उन्हें खुदाफिस कहा और बड़े इत्मीनान से अपने पड़ाव की तरफ चल दिया। थोड़ी दूर चला हूँगा कि सामने से मुंशी आता नज़र आया। मुंशी, रईस भाई आगे हैं क्या? हाँ जी, उन्हें खाना खिलाकर ही वहाँ से चला आया हूँ, आपके बारे में पूछ रहे थे वो। ठीक है, मैं वहीं जा रहा हूँ। साहब जी, आपको रास्ता तो याद है ना? मुंशी, रास्ता तो सीधा है। ये कहकर मैं आगे बढ़ गया। बस यहीं से मेरी बदबख्ती का दौर शुरू हुआ। मैं जिस रास्ते को सीधा और आसान समझ रहा था, वो इतना टेढ़ा और मुश्किल साबित हुआ कि एक कयामत मुझ पर गुजर गई। वो रास्ता वाकई सीधा था, बस एक जगह मुझसे चूक हो गई, उस दोराहे पर जहाँ 2 पगडंडियाँ 2 मुख्तलिफ सिमतों को जाती थीं। मैं दाएं जाने वाली पगडंडी के बजाय बाएं जाने वाली पगडंडी पर चल पड़ा और होश उस वक्त आया जब होश आने का कोई फ़ायदा ना था। मैं जंगल की भूल भलाइयों में फंस चुका था। मैं अपने अंदाजे से जैसे ही सीधी राह पकड़ने की कोशिश करता, वो रास्ता या किसी ऊंची चट्टान पर ख़त्म हो जाता, या आगे कोई खाई आ जाती, या फिर घना जंगल शुरू हो जाता। नतीजे में सर पकड़ कर बैठ गया। रास्ता भूलने का खौफ मेरे आसाब पर सवार होता जा रहा था। मज़े की बात यह थी कि मैं कतन नहाता था, बंदूक मैं अपने साथ लेकर नहीं चला था और चाकू जैसी चीज़ भी अपनी जेब में ना थी। किसी दरिंदे से सामना होने की सूरत में सर झुकाकर खुद को पेश करने के सिवा अब कोई चारा ना था। हाथ पर हाथ रखकर बैठने का तो वक्त ना था, शाम होने वाली थी। दिन की रोशनी में रास्ता तलाश करने की जितनी कोशिश हो सकती थी कर लेनी चाहिए थी। सवाल ये था कि जाऊं तो किधर जाऊं? फौरन ही एक तरकीब दिमाग में आई, अल्लाह का नाम लेकर सिक्का उछाला जाए और 2 मुंतखब रास्तों में से सिक्के के मुताबिक चला जाए। सिक्का उछालकर मैंने एक सिमत पकड़ ली और तेज़ तेज़ चलने लगा। आगे जैसे ही रास्ते में पेचीदगी पैदा होती, मैं फौरन सिक्के का सहारा लेता, फिर चल पड़ता। मैं तकदीर के सिक्के के सहारे आगे तो बढ़ रहा था, लेकिन ये मालूम न था कि मैं किधर जा रहा हूँ। अंधेरा अब गहरा होता जा रहा था और वो वक्त ज़्यादा दूर ना था जब हाथ को हाथ सुझाई देना बंद हो जाता।
बिला आखिर एक दरख्त पर मेरी नज़रें जम गईं। ये दरख्त ऊंचा था, मजबूत था और ज़रा अलग थलग था। मैंने उस दरख्त पर रात गुजारने का फ़ैसला कर लिया। बस यही एक ज़रिया था जिससे ख़ुद को महफूज किया जा सकता था, वो भी किसी हद तक, क्योंकि रीछ या वो अफरियत इस दरख्त पर भी चढ़कर मेरी खैरियत पूछ सकता था। मुझे दरख्त पर चढ़ने में कोई दिक्कत पेश ना आई। मैंने दरख्त पर एक महफूज जगह तलाश की और अल्लाह से लो लगा कर बैठ गया। दिली दिल में दुआ करने लगा कि जंगल की ये पुरफुसूं रात किसी तरीके से खैरियत से गुजर जाए। मैं धड़ाधड़ अपने गुनाहों की माफ़ी मांग रहा था। दुआ मांगते मांगते मेरा ध्यान पड़ाव की तरफ चला गया। मैंने सोचा कि अब तक उन लोगों को मेरे गुम होने का पता चल गया होगा, वो ज़रूर कोई ना कोई तदबीर कर रहे होंगे। फिर सोचने लगा, वो लोग मुझ तक किस तरह पहुंच सकते हैं, उनके पास कोई ज़रिया नहीं मुझे इस रात के शर से बचाने की, उनके पास क्या तदबीर हो सकती थी भला। अगर कोई तदबीर थी भी तो मेरा जहन उसे सोचने से कासिर था। बाद में रईस भाई की ज़ुबानी मालूम हुआ कि जब चचा जान मगरिब के वक्त पड़ाव में पहुँचे तो रईस भाई ने उन्हें तनहा देखकर मेरे बारे में पूछा। चचा जान के जवाब ने रईस भाई को लर्जा दिया, क्योंकि उनके बयान के मुताबिक मुझे कब का पड़ाव में होना चाहिए था। दोनों बाप बेटों को फ़ौरन ही सूरत हाल की संगीनी का इल्म हो गया। रईस भाई एक लम्हा भी ज़ाया किए बगैर गाड़ी की तरफ भागे, और उस वक्त जब मैं उनके बारे में सोच रहा था वो फॉरेस्ट ऑफिसर के बंगले की तरफ उड़े चले जा रहे थे। वहाँ उन्होंने सूरत हाल बताकर जंगल के मुहाफिज और सर्च लाइट्स वगैरह हासिल कीं। पड़ाव वापस आए, वहाँ से उन्होंने चंद मजदूरों को पकड़ा और 10-12 आदमियों का ये काफिला मुझे तलाश करने के लिए निकल खड़ा हुआ। वो सारी रात ढोल पीटते, मुझे आवाज़ें देते, दरख्तों पर सर्च लाइट्स डालते, जाने जंगल में कहाँ कहाँ मारे फिरते रहे, और मैं जाने जंगल के किस हिस्से में अपनी जान छुपाए सहर होने का इंतज़ार कर रहा था। वो क़यामत की रात थी। पूरी रात जैसे सूली पर गुजरी। हर आहट पर कान खड़े होते, हर आवाज़ पर दिल धड़कता और हलक में आता हुआ महसूस होता। जंगल में जहाँ शाम जल्दी हो जाती है, वहाँ सहर देर से होती है। आखिरकार जब जंगल का अंधेरा छटा तो मुझे इस बात की खुशी थी कि रात बखैर गुजर गई। रोशनी फैलने के साथ ही मैंने दरख्त से फिसलना शुरू किया और नीचे आकर सोचने लगा कि अब किधर जाऊँ। तभी खूँ खूँ की आवाज़ ने मुझे चौंका दिया। ये आवाज़ मेरी पुश्त से आई थी। मैंने फ़ौरन पलट कर देखा, ये एक लंगूर था जो दरख्त की शाख से झूल रहा था। फिर वो तेज़ी से मेरी तरफ आया, थोड़े से फासले पर जाकर बैठ गया और मेरी आंखों में आंखें डालकर मुझे घूरने लगा। मैं फिर कुछ सोचकर उसकी तरफ बढ़ा। मुझे अपनी तरफ भरता देखकर वो ज़ोर ज़ोर से उछला और फिर वो आगे की तरफ भागा। मैं भी उसके पीछे चल पड़ा। थोड़ी देर को मैं रुकता तो वो फिर मेरी तरफ मुड़कर देखता और फिर आगे चलने लगता। उस लंगूर की रहनुमाई में चलते हुए मुझे तकरीबन 1 घंटा हो गया था। वो मुझे बड़े ख़तरनाक रास्तों से गुजार कर अपने साथ ले जा रहा था। मंजिल थी कि आके नहीं दे रही थी, और मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि ये लंगूर मुझे किधर लिए जा रहा है। अचानक ख्याल गुजरा कि ये लंगूर कहीं मुझे मुसीबत में ना फंसा दे। मुमकिन है ये मुझे लंगूरों के गढ़ में ले जा रहा हो। शायद लंगूर मुझसे अपने भाई के कत्ल का बदला लेना चाहते हैं। फ़ौरन जहन में ख्याल आते ही मैंने इसकी तरदीद की कि जानवरों में इतनी अकल कहाँ। कुछ देर के बाद उस लंगूर के साथ मैं नाले पर आ निकला। मेरा ख्याल था मुझे उस नाले को पार करना होगा। मैं उसकी गहराई का अंदाज़ा लगाने की कोशिश में था कि लंगूर नाले के साथ साथ चलने लगा। नाले के किनारे पत्थर ही पत्थर थे, मुझे उन पत्थरों पर चलने में दुश्वारी हो रही थी। थोड़ा फासला तय करने के बाद पत्थरों का एक ऊँचा सिलसिला आ गया। यह सिलसिला ऐसा था कि उस पर आसानी से चढ़ा जा सकता था। पत्थर कुछ इस अंदाज से रखे हुए थे कि सीढ़ियाँ सी बन गई थीं। ऊपर पहुँचा तो यहाँ का मंजर ही अजीब पाया। मुझे यकायक एहसास हुआ जैसे मैं किसी चिड़ियाघर में आ गया हूँ। जहाँ तक मेरी नज़र गई, मैंने हर तरफ परिंदों को ही पाया। कबूतर, तोते, मोर, चीलें, शिकरे, चिड़ें, कव्वे, फाख्ताएँ और न जाने क्या क्या इस तरह घूम फिर रहे थे जैसे दावत में आए हों। फिर मेरी नज़र दरख्तों में घिरी बाँसों की यह खूबसूरत कुटिया पर पड़ी। मैं उन परिंदों के दरमियान से गुजरता उस कुटिया की तरफ बढ़ा। जब मैं कुटिया के नज़दीक पहुंचा तो मुझे कोई दरवाज़ा ना दिखाई दिया। फिर मुझे एहसास हुआ कि ये कुटिया की पुश्त है। मैं दाएं जानिब से घूमकर उसके दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था कि अचानक मेरी सिट्टी गुम हो गई। मैं दम बखुद उस शय को देख रहा था जो अपने हाथ पाँव पसारे बड़े आराम से लेटी हुई थी। मुझे देखकर उसने गर्दन उठाई, फिर उसकी धाड़ से पूरा पहाड़ हिल गया। मैं तेज़ी से पलट कर भागा। अभी मैं कुटिया की पुश्त पर ही पहुंचा था कि उसमें से आवाज़ आई, डरो मत, यहाँ कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। मैं भागते भागते रुक गया। उस आवाज़ में ऐसा ही सहर था।
शेर ने अगरचे धारणा बंद कर दिया था, इसके बावजूद मुझ में इतनी हिम्मत न थी कि मैं उसके सामने से गुजरकर कुटिया में पहुंचूं और उस आदमी से मुलाकात कर सकूं जिसकी आवाज़ ने मेरे पाँव में बीड़ियाँ डाल दी थीं। अभी मैं फैसला नहीं कर पा रहा था कि क्या करूं कि दोबारा आवाज़ आई, डरो मत, अंदर चले आओ, इसे बिल्ली ही समझो। मैं डरते डरते आगे बढ़ा तो सामने से वही शेर आता नजर आया। एक लम्हे को मेरी रूप मेरे जिस्म से परवास कर गई। फिर अनोखी बात जहूर पजीर हुई, वो खौफनाक शेर मेरे बराबर से बिल्ली की तरह गुजर गया। मैं कुटिया के बांसों से चिमटा उसे दूर तक जाता देखता रहा, यहाँ तक कि वो उस पहाड़ी से नीचे उतर गया। अब मैं कदम जमाता हुआ कुटिया की तरफ बढ़ा। उसका दरवाज़ा अंदर से बंद था, दरवाजे पर हनुमान जी विराजमान थे। मुझे देखकर उस लंगूर ने चार पांच कलाबाजियाँ खाई और ज़ोर ज़ोर से उछला। गालिबन ये खुशी का इजहार था। उछलते हुए वो एक मरतबा दरवाजे से टकराया तो फ़ौरन ही खुल गया। खुले दरवाजे से जो कुछ मुझे नज़र आ रहा था वो मेरी आँखें खोल देने के लिए काफ़ी था।